मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे पिताजी और बाकी के लोग सिगरेट के पैकेट पर इतने अच्छे से चेतावनी देने के बाद भी क्यों सिगरेट पीते हैं। ठीक है महापुरुष, लेकिन ये पता लगाते लगाते तुम खुद पीने मत लग जाना। जॉन सिगरेट पीने वालों से बात करके उनसे सिगरेट पीने की वजह पूछकर एक नतीजे पर पहुंचना चाहता है कि लोग आकर सिगरेट पी क्यों रहे हैं, और उसकी दोस्त इस बात पर ऐसे हंसते हुए उसको सपोर्ट कर रही है। जॉन पहले जाकर एक ऐसे बूढ़े आदमी से मिलता है जो अपनी पूरी जिंदगी उसी गांव की एक लड़की की चाय की होटल में बैठकर बीड़ी सिगरेट पीते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। दादाजी, मैं आपको मेरे बचपन से देख रहा हूँ। आपके हाथ में हमेशा बीड़ी या सिगरेट होता है, अब क्यों पीते हो? तब मैं छोटा था तो पिताजी क्यों पी रहे हैं सोचकर पीता था। बड़ा हुआ तो घर की जिम्मेदारियों की थकान की वजह से पीता था, और अब मेरे बिछड़े हुए अपने याद ना आए इसलिए पीता हूँ। इसका मतलब ये बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को उनकी तकलीफें भुला देती है। इसका मतलब सिगरेट पीने वाले होश में नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी कीमत है। ऐसे किसी से पूछने पर भी सब यही कहते हैं। जॉन एक नतीजे पर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। दुखी जॉन भी अपने पिता के कमरे से एक सिगरेट उठाकर पीता है, और वो एक सिगरेट उसकी हजारों सिगरेट्स में बदल जाती है। जॉन, तू पागल हो गया है क्या? कल तक जो खुद सिगरेट्स के खिलाफ था, आज वो खुद सिगरेट्स की पैकेट्स खत्म करने पर लगा हुआ है। इस सिगरेट में ऐसा क्या है जो लोग इसे पीने के लिए मरने को भी तैयार होते हैं? ये सोचकर मैं अपने पिताजी के कमरे से एक सिगरेट उठाकर देखा था। ये कुछ नहीं, बस एक शौक है, और ये शौक बहुत जल्द लत बन जाता है। ऐसे कहकर जॉन वहां से चला जाता है, और कुछ दिनों बाद स्माइली भी जॉन को देखकर वो भी ऐसे ही पी कर देखती है। मैंने कहा था ना, ये शौक अच्छे अच्छों को अपने ओर खींच लेता है। हाँ, लेकिन हर काम की एक लिमिट होती है। इस तरह से सिगरेट पिएगा तो बाद में सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये मेरी आखिरी सिगरेट है, इसके बाद सब बंद। कोई भी चीज हद से ज्यादा ठीक नहीं होती है। ऐसे कहते हुए स्माइली वहां से चली जाती है, और फिर कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाती है। लेकिन जॉन सिगरेट पे सिगरेट पीता जाता है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि इन सिगरेट्स की वजह से उसका शरीर बीमार पड़ रहा है। स्माइली, तुम बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे अब ये सिगरेट बंद करना चाहिए, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। एक बार में कुछ नहीं हासिल होता है, धीरे धीरे कोशिश करो। जॉन जब तक घर में रहता है तब तक बड़ी मुश्किल से सिगरेट से दूर रहता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वो खुद को सिगरेट पीने से रोक नहीं पाता है और हार मान लेता है। लेकिन अब वो औरों को पीने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए बच्चों, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। खुद हाथ में सिगरेट पकड़कर बैठते हो और हमें ज्ञान दे रहे हो? चुपचाप पियो और पीने दो, बड़े आए। मैं भी कभी बड़े शौक से पिया करता था, लेकिन अब मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ,
और हर रोज धीरे धीरे मर रहा हूँ। सोचो कि वो चीज कितनी खतरनाक होगी जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे पीने से मौत हो सकती है। हाँ, इस पर यह लिखा हुआ है कि इसे पीने से मौत हो सकती है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि इसे पीने से मौत हो जाएगी। दोनों बातें अलग अलग है। ऐसे कहते हुए वो बच्चे जॉन को ही समझा कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी जॉन लोगों को समझाता रहता है कि सिगरेट बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। फलपुर गांव वहाँ के अलग अलग प्रकार के खास और स्वादिष्ट आमों के लिए मशहूर था। उस गांव के लगभग हर व्यक्ति के पास उसका खुद का एक आम का भाग है। ऐसे ही एक एक भाग के मालिक है गुलशन और दर्शन। दर्शन अपने भाग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होती है और उसकी कमाई भी अच्छी होती है। ऐसा क्या बात है दर्शन, जो तुम्हारे ही बाग के आम औरों के आमों से इतने जल्दी आ जाते हैं? जब तक हमारे आम बिकने के लायक होते हैं, तब तक तुम्हारे सारे आम बिक भी जाते हैं। ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ काका जी। जानता भी तो शायद किसी को बताता नहीं। ऐसे कहते हुए दर्शन और वो व्यक्ति हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गुलशन के बाग के आम वहाँ के किसी भी भाग से बहुत लेट आते हैं, इसलिए उसकी कमाई भी बहुत धीरे से होती है। चाहे जो हो, कमाई तो हो रही है ना, कहकर चुप रहने वालों से नहीं है गुलशन, इसलिए उल्टे सीधे काम करके लोगों से पीटता रहता है। मैं ऐसे अपने आप पकने तक खाली बैठकर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करके उस दर्शन के बाग से कुछ आम चुराकर व्यापार करना होगा। ऐसे कहते हुए गुलशन एक दिन मौका देकर दर्शन के बाग में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ के सारे आम अभी से बिकने के लिए तैयार थे। उन आमों के बीच में एक आम था जो काफी बड़ा था। उसे देखकर गुलशन, इतना बड़ा आम? मैंने आज से पहले कभी इतना बड़ा आम नहीं देखा। मैं इसे ही उठाकर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए गुलशन उस आम को बड़ी मुश्किल से तोड़ लेता है। तभी उस आम के टूटने की आवाज सुनकर दर्शन का कुत्ता गुलशन के पीछे पड़ जाता है और उसे खूब भगाता है। गुलशन जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर निकल जाता है। शोर सुनकर वहाँ पर आया हुआ दर्शन भी उस आम को देखकर हैरान हो जाता है और बेचने के लिए बाहर निकलता है। लोग उस आम को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं और आखिर में वो आम पूरे 10,000 में बिक जाता है। वो देखकर गुलशन, ये एक आम 10,000 में बिक गया। अगर सारे आम ऐसे ही हुए तो मैं तो धनवान बन जाऊंगा। ऐसे कहते हुए गुलशन अपने जंगली दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और उसके भी आमों को बड़े करने के उपाय सोचता रहता है। तभी गुलशन के आम का रहा एक साइंटिस्ट ऐसा कहता है, अरे वाह, तुम्हारे आम तो काफी लचली है। अगर इसमें हवा भरा तो गुब्बारे की तरह फूलने लगेंगे। ऐसे कहते हुए वो साइंटिस्ट आम खाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुलशन उसकी बात को सीरियसली ले लेता है और एक हवा भरने वाला पंप लेकर आकर अपने आमों में एक एक करके हवा भरने लगता है। ऐसे उसके सारे आम बड़े हो रहे थे। मैं भी करूंगा व्यापार,
10,000 का एक आम बेचकर। ऐसे गुलशन आम के अंदर हवा भरता था और आम बेचता था। लोग सच में बड़े आम है कहकर खरीद कर लेकर जा रहे थे, लेकिन घर जाकर उन्हें काटने पर गुब्बारे की तरह फट रहे थे। इसलिए सब गुस्से में वापस गुलशन के पास आते हैं। हवा भर के आम बेच रहा है, वो भी 20,000 में एक। तेरी वजह से मेरी 25,000 का सूट खराब हो गया। चुपचाप हमारे पैसे लौटा दे या फिर उन पैसों के बदले में आम दे दे। ऐसे कहते हुए लोग उसे पीटने पर गुलशन सबको उनके पैसों के आम देकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद गुलशन के पास दर्शन आकर इतनी बार पीटने के बाद भी तुम दोबारा ऐसे ही हरकतें क्यों करते हो दोस्त, मुझे समझ में ही नहीं आता है। बेवकूफियां जितने भी कर लो, कितनी भी बार पीट लो, लेकिन हर बार मेरी कमाई अच्छी ही होती है। तुम नहीं सुधरोगे, पागल हो पागल ही रहोगे। ऐसे कहते हुए दर्शन वहां से चला जाता है।